सर कैसी लगी मूवी? इंटरेस्टिंग फिल्म थी, मुझे अच्छी लगी। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा फिल्म को लेकर थोड़ा वो आर्ग्यूएबल हो सकता है सबके अपने अपने लिए, जो लोग देखेंगे सबके पर्सपेक्टिव पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि देखो अच्छी होगी या ऐसी बुरी होगी, ऐसा नहीं बोलूंगा, आपके ऊपर है। मुझे तो फिल्म अच्छी लगी, सही लगी, क्योंकि रियल चीज़ों को लेकर, रियल घटनाओं को लेकर आपने सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है, जैसे वो एक नेता के बारे में बताया गया है कि उसने ऐसा बोला, घटनाओं के बारे में बताया, नंबर्स बताए गए, संख्या बताई गई है और कहाँ क्या, जैसे जो फैक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताए गए जो कि आपने अखबारों में पढ़े होंगे। अगर आप न्यूज़ फॉलो की होगी आप लोगों ने, तो आपने बहुत सारी अखबारों में पढ़ी होंगी पहले भी कि ये सारी चीज़ें आई थी, वही चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है, वो सब बताया। तो चीज़ें सब रियल घटनाओं पर आधारित वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा बहुत सी जगहों पर मुझे ना चीज़ें थोड़ी फिल्मी टाइप की लगने लग रही थी, उतनी ज़्यादा रियल नहीं लग रही थी। मुझे लगता है कि शूट भी है तो फिल्मी, हम सभी जानते हैं फिल्मी है, लेकिन मुझे लगता है जैसे कश्मीर फाइल्स को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में उसको शूट किया गया था, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट किया गया था। तो मुझे लगता है आप रियल फैक्ट के ऊपर, अगर कोई आप कमर्शियल फिल्म तो बना नहीं रहे हो, कोई स्टार आपकी फिल्म में नहीं, आप कमर्शियल ही नहीं दिखा रहे हो कि एक्शन ये सब फलाना, आपको कुछ दिखाना नहीं, आप रियल तथ्यों पर रियल चीज़ दिखा रहे हो, रियल घटना दिखा रहे हो, और इसमें आप कोई अच्छी एंडिंग या अच्छा कुछ नहीं दिखा रहे हो। आप क्या दिखा रहे हो? इंसान को झकझोर देने वाली जो एक सच्चाई है आप वो दिखा रहे हो उस फिल्म के जरिए। तो मुझे ऐसा लगता है उसको दिखाना भी उतनी रियलिटी के साथ है और उतना ही ज़्यादा घिनौना और उतना ही वैसा लगना ज़रूरी है। तो कई जगहों पर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा जैसे वो लड़की छेड़ने वेड़ने वाला मॉल वॉल में कहाँ सीन देखने को मिलता है, वो काफ़ी फिल्मी सा मुझे लगने लगता है और काफ़ी वैसा सा लगता है। वही सारी चीज़ें बताई है कि कैसे इन्फ्लुएंस करके दूसरे धर्म की लड़कियों को कहा कर वो करके इन्फ्लुएंस करके वो बना के मुस्लिम उसमें ले लिया जाता है, वो कर लिया जाता है, और फिर वो ये लोग असल में मुस्लिम्स भी वैसे नहीं है, ये लोग क्या एक तरह से उनके लिए काम कर रहे हैं जो आइसिस है, जो विदेशी और भी जो दूसरे संगठन से आतंकवादी संगठन है उनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं मेनली, और ये लड़कियों की ट्रैफिकिंग करते हैं वहाँ पर जाकर। तो क्या उनको भी लड़कियों की ज़रूरत है वहाँ पर, तो उनको लड़कियों को पहुँचा, तो उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। ये सारी चीज़ें होती है ऐसे धर्म को लेकर, धर्म को लेकर वो इन्फ्लुएंस करके ये चीज़ क्रिएट की जाती है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो कॉलेज में एक उनके साथ की लड़की है जो ये सारी चीज़ों को उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, चीज़ें कर रही है, फिर वो लड़के कोई उनके जीवन में आते हैं उनसे चीज़ें करके पूरी कहानी क्रिएट होती, सारी चीज़ें होती है। ये आर्ग्यूएबल है, आपको शायद ये चीज़ अच्छी गलत लगे, वो एक आपके ऊपर टॉपिक है, लेकिन फिल्म में ये सारी चीज़ें दिखाई गई है और मुझे लगता है डायरेक्शन ठीक ही है, पर और बेहतर हो सकता था ऐसा मुझे। 5 में से 5 में से मैं फिल्म को 3 स्टार दूंगा।